ठीक है, वहाँ सौहार्द होगा। अब सौहार्द के साथ में किसने बदमाशी की है या किसका क्या कानूनी एक्ट करना है वो आप हमें छोड़ो, वो छोड़ो, वो कहा से मेरे चार ने कहा है बाबू रो पेमेंट कर दो या हमारो भिखी रो बुरी रो फेकत गयो पेमेंट कर दी। कागज गली छोड़े हम अलावा जो चार तीन महिलाओं नंदलाल यहाँ तो आपके खतरी समाज की है, नंदलाल और उसकी वाइफ और एक उसकी साड़ी और एक उसकी दोहिती है ज्योति जो भी है क्या तो है थारा खतरी समाज रहा। एक बाबू सिंह के साथ साथ जो और भी होगा उनको हम पाबंद करेंगे ना। जी हाँ बिल्कुल, लड़कियों की कोई गारंटी लेना वाला आपका समाज का आ जाएगा लिख के देगा, लिख के देगा बाबू शेख की गारंटी लेने वाला आ जाएगा लिख के देगा, हम वही पूर्ण विराम लगा देंगे। मैं आपसे बिल्कुल सर ठीक है ना, आपके पांच आदमी आ जाए पंच जैसा आज के बाद ये जो औरत है नंदलाल पुष्पा भिखी और ज्योति आज के बाद किसी तरह की न्यूसेंस या शहर का सद्भाव खराब करने का कोई काम नहीं करेंगे। पंच आ जीजो दस्तखत कर दीजो लिख दीजो उन और तो दस्तखत करा दीजो। बिल्कुल नंबर वन ये आपकी तरफ से, नंबर टू भाई साहब नजीर साहब आपकी तरफ से, बाबू शेख की तरफ से चार आदमी आ जाए लेकिन आज के बाद बाबू शेख जो है इस तरह से कोई न्यूसेंस नहीं करेगा, सद्भाव खराब नहीं करेगा। हम गारंटी देते हैं बाबू शेख के साइन हो जाए आपके बच्चों के साइन हो जाए विराम दे देंगे। बिल्कुल सही है सर, मेरी बात सहमत हो, मेरी बात से सहमत हो। बिल्कुल बिल्कुल, कल शाम को कोई नगरासर अपने नाडी है उसके पास खत्री समाज की धर्मशाला भी है उसके सामने ढेर बाबा साहब की दरगाह है। ये दरगाह सदियों पुरानी है और इस दरगाह का मुस्लिम हिंदू सभी जाति सभी परिवार सभी धर्म का बिल्कुल उनके प्रति श्रद्धा है। 1988 में एक फैसला किया गया था जिसमें सर्वमान्य फैसला हुआ था कि 7 फुट का रास्ता होगा और उसके आगे मजार जाने की रास्ता होगा और उसकी यथास्थिति बनाई जाएगी। 2-3 दिन पहले पानी के भराव को मजार के आसपास लेकर के और कुछ लोगों ने पड़ोसियों ने और एक बाबू शेख करके नाम आया है उसने वहाँ पर मलबा है वो डाला। पूछा गया तो कि पानी में रास्ता नहीं जा सकते बाबा साहब के दर्शन नहीं कर सकते इसलिए डाला, तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। कल कुछ ईंटें वगैरह रखने की बात सामने आई तो पड़ोसियों को आशंका हुई, उस आशंका से रात को खत्री समाज इकट्ठा हुआ जिस पर गए समझाइश की गई, समझाइश से कहा कि यथास्थिति रखेंगे और दोनों समुदायों को खत्री समाज और मुसलमानों के बीच बैठ के बात करेंगे। इस पर सहमति बन गई कि रात्रि को शांति हो गई थी, आज उस शांति को हमेशा के लिए सदियों के लिए आगे के लिए भविष्य के लिए सद्भाव रहे इसलिए मीटिंग कराई, गले मिलाए और गले मिल करके और मुस्लिम समाज ने कहा कि जो खत्री समाज इस बाबा साहब की ढेर के ढेर बाबा साहब की दरगाह पे जो व्यवस्थाएं देखेंगे रखेंगे वो हमें सर्वमान्य है, इस बात के सर्वसम्मति बनी और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण मीटिंग ली गई और इस व्यवस्था के साथ संपन्न हुई। जैसा कि पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने आपको विस्तृत जानकारी दी उसी प्रकरण को लेकर आज एक शांति वार्ता समिति आयोजित यहाँ की गई जिसमें दोनों समुदायों के गणमान्य लोग सम्मिलित हुए और दोनों समुदायों के वरिष्ठ जनों ने ये सहमति दर्शाई कि इस मामले को हम आपसी सौहार्द से आपसी समन्वय से अपने स्तर से इसका समाधान निकालेंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार का प्रयास दोनों समुदाय भविष्य में बनाए रखेंगे।